नमस्कार, उत्तर प्रदेश राजसी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मानविकी विद्या शाखा के अंतर्गत पत्रकारिता एवं जनसंचार विषय में एनएपी 113 के अंतर्गत फिल्म एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रश्न पत्र में हम आज केबल टेलीविज़न के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कि केबल टेलीविज़न का जो है विकास कैसे हुआ। केबल टेलीविज़न आरंभिक दौर में टेलीविज़न प्रसारणों को प्रसारण केंद्र से लगभग 100 किलोमीटर दूरी तक ही स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। इससे अधिक दूरी होने पर दृश्य चित्र धुंधले हो जाते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि जो दृश्य होता था वो क्या होता था कि वो धुंधला हो जाता था, ब्लर हो जाता था और वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता था। इसके विपरीत प्रसारण केंद्र के निकटवर्ती क्षेत्रों में टेलीविज़न संकेत अत्यधिक शक्तिशाली हो सकते थे। ये शक्तिशाली संकेत ऊंचे भवनों से टकराकर अपना मार्ग बदल देते थे और कई मार्गों से रिसीवर तक पहुँचते थे, जिसके कारण टेलीविज़न स्क्रीन पर कई चित्र बन जाते थे। दूरी की स्थिति में चित्रों के धुंधलेपन की स्थिति जैसी समस्याओं के समाधान के लिए बनाई गई एक योजना को कोऑपरेटिव एंटीना टेलीविज़न कहा गया। इस योजना के अंतर्गत टेलीविज़न केंद्रों के संकेत किसी ऊंचे स्थान पर लगे टेलीविज़न एंटीना द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं तथा उन्हें शक्तिशाली बनाकर टेलीफोन जैसी तार प्रणाली द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं में वितरित कर दिया जाता है। इस योजना के माध्यम से उपभोक्ता उस कार्यक्रम को भी देख सकता है जिसका प्रसारण नहीं किया जाता है, किंतु दिखाने की व्यवस्था की जाती है। कालांतर में प्रसारण क्षेत्र में उपग्रह संचार के द्वारा विदेशी चैनलों की भरमार होने लगी। इन चैनलों को देखने के लिए एक विशेष प्रकार के एंटीना की आवश्यकता होती है, जिसे डिश एंटीना कहा जाता है। व्यय साध्य होने के कारण डिश एंटीना आम आदमी के पहुंच से दूर था, क्योंकि यह जो है काफ़ी कास्टली था और फिर इसके लिए जो है एक मार्ग तैयार किया गया जिससे ये आम आदमी तक पहुंच सके। इसके लिए पूर्व में प्रचलित सहकारी एंटीना टेलीविज़न योजना से प्रेरित होकर कुछ व्यवसायियों ने डिश एंटीना का प्रयोग करके केबल मतलब तार के माध्यम से तमाम चैनलों को उपभोक्ता के घर तक पहुंचा दिया। अब उपभोक्ता सामान्य शुल्क देकर देश में प्रसारित हो रहे सभी चैनलों के कार्यक्रम घर बैठे देख सकता। केबल टेलीविज़न के बढ़ते प्रचलन से प्रसारण जगत में एक प्रतिस्पर्धा परक उत्साह का माहौल बन गया। जब केबल टेलीविज़न की शुरुआत हुई तो जो मार्केट है उसमें जो है कंपटीशन बढ़ गया और प्रसारण की होड़ लग गई। अनेक प्रसारण कंपनियों ने अपने चैनल से सूचना, शिक्षा और मनोरंजन परक कार्यक्रमों की उत्कृष्ट श्रृंखला प्रस्तुत करना शुरू किया। केबल टीवी का इतिहास। माना जाता है कि केबल टेलीविज़न का इतिहास संयुक्त राज्य अमेरिका में 1940 के दशक के अंत में शुरू हुआ था। केबल टेलीविज़न के आविष्कार और स्थापना का मुख्य कारण यह था कि अधिकांश दूरस्थ उपभोक्ता टेलीविज़न प्रोग्रामिंग तक नहीं पहुंच पाते थे या एंटीना रेडियो तरंगों के माध्यम से खराब कनेक्शन प्राप्त करते थे। मतलब जो प्रसारण था वो सही रूप से नहीं था, उसमें कहीं न कहीं से जो है उसमें बाधाएँ उत्पन्न होती थी। केबल टेलीविज़न विशेष रूप से CATV कई दूर दराज के उपभोक्ताओं के लिए बेहतर टीवी प्रोग्रामिंग सेवाएं लाने में सक्षम था।
संभवतः यह सबसे पहले 1948 में ओरेगान अकार्सस या पेंसिल्वेनिया में शुरू हुआ था। पेंसिल्वेनिया में दूर दराज के पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोगों का एक समूह टेलीविजन प्रसारण को स्पष्ट रूप से देखने के लिए एक पहाड़ी पर एक सामुदायिक एंटीना लगाया और केबल के माध्यम से अपने घरों में टेलीविजन चलाने लगे। सन 1948 ईस्वी में पेंसिल्वेनिया में जब इसकी शुरुआत हुई और उसके बाद जो है एक सामुदायिक एंटीना वहाँ पे लगाया गया और केबल के माध्यम से लोग अपने घरों में जो है टेलीविज़न का प्रसारण देखने लगे। इसी न्यूज से केबल टेलीविज़न का जन्म हुआ। इसे पहले CATV के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ कम्युनिटी एक्सेस टेलीविज़न या कम्युनिटी एंटेना टेलीविज़न था, क्योंकि टेलीविज़न प्रोग्रामिंग तक पहुंचने के लिए एक समुदाय एक ही एंटीना के साथ एक केंद्रीय स्थान पर एक साथ आता था। इन सामुदायिक एंटीना ने दूरदराज के स्थानों में उपभोक्ताओं को ट्रांसमीटरों के माध्यम से केबल द्वारा टेलीविज़न को जोड़ा। बड़ी कंपनियों के केबल व्यवसाय में शामिल होने से इसके विकास में ज़्यादा समय नहीं लगा। केबल टेलीविज़न का जब विकास हो रहा था तो उसमें जो है धीरे धीरे बड़ी कंपनियां जो है उसमें शामिल हुई, और जब बड़ी कंपनियां उसमें शामिल हुई तो उसका विकास जो है और तीव्रतर होता चला गया। वेस्टिंगहाउस और काक्स जैसी कंपनियों ने 1960 के दशक की शुरुआत में केबल टेलीविज़न में निवेश करना शुरू किया। वेस्टिंगहाउस और काक्स कंपनी जो थी उन्होंने जो है फिर केबल की दुनिया में उन्होंने जो है अपना निवेश करना इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, जिससे बड़े महानगरीय क्षेत्रों में केबल टेलीविज़न का विस्तार हुआ। इनके निवेश करने का प्रतिफल ये था कि जो महानगर क्षेत्र हैं जो बड़े शहर हैं उसमें जो है केबल टेलीविज़न का जो है तेज़ी से विस्तार हुआ। केबल प्रदाताओं ने अधिक और विविध प्रोग्रामिंग और स्थानीय नेटवर्क प्रसारण तक पहुंच की पेशकश शुरू कर दी। केबल टेलीविज़न का आकर्षण उपलब्ध चैनलों की विस्तृत श्रृंखला बन गया। केबल टेलीविज़न के माध्यम से दर्शकों के पास जो है बहुत सारे ऑप्शन उपलब्ध हो गए और वो विविध प्रकार के प्रोग्राम देख सकते थे विभिन्न चैनलों पर। केबल टेलीविज़न का आकर्षण उपलब्ध चैनलों की विस्तृत श्रृंखला बन गया और प्रोग्रामिंग तक पहुँच अन्य प्रसारकों द्वारा टेलीविज़न पर नहीं की जा रही थी। स्थानीय नेटवर्क ने अपनी दुनिया में इस कथित आक्रमण की सराहना नहीं की। उन्होंने केबल टेलीविज़न को प्रतिस्पर्धा के रूप में देखा और अपनी लड़ाई संघीय संचार आयोग तक ले गए। मतलब केबल टेलीविज़न का जब विस्तार हो रहा था तो वहाँ वहीं पे उसका जो है विरोध भी हो रहा था, और ये कहा जा रहा था कि ये जो है कथित रूप से जो है आक्रमण किया जा रहा है, और इस मामले को संघीय संचार आयोग तक जो है इसे ले जाया गया। इससे विकसित की जा रही नई केबल प्रणालियों पर रोक लग गई, जो 1970 के दशक की शुरुआत तक जारी रहे। जैसे ही केबल प्रणालियों पर प्रतिबंध कम होने लगे, केबल प्रदाताओं और उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने लगी। जैसे ही केबल टेलीविज़न पे जो प्रतिबंध लगा था और वो उस प्रतिबंध को हटा लिया गया, तो फिर जो है क्या हुआ कि केबल प्रदाताओं की संख्या जो है बढ़ती चली गई। यह न केवल केबल बुनियादी ढांचे में बढ़े हुए निवेश का परिणाम था, बल्कि प्रोग्रामिंग विकल्पों में भी वृद्धि का परिणाम था। 1984 के केबल संचार नीति अधिनियम ने प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करके और केबल उद्योग पर नियमों को कम करके उसके विकास में योगदान दिया। जो 1960 से जो है केबल की जब शुरुआत हुई थी, फिर जो है उसमें जो है कुछ बाधाएं आई, और फिर जो है 1984 के बाद जब संचार नीति अधिनियम ने प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया तो केबल उद्योग जो है वो नियमों को कम करके
उसके विकास में सराहनीय योगदान दिया। 1990 के दशक में केबल प्रदाता अपने बुनियादी ढांचे को उन्नत करते हुए उपभोक्ताओं को विशिष्ट प्रोग्रामिंग और बहुत सारे विकल्प देने में सक्षम थे। 1990 तक आते-आते केबल टेलीविजन का विकास अभूतपूर्व हुआ और उसमें जो है बहुत सारे प्रोग्रामिंग और चैनल्स के विकल्प जो है उसमें जुड़ने लगे और ज्यादा समय नहीं हुआ जब ब्रॉडबैंड नेटवर्क ने उच्च गति का दावा करते हुए टेलीविजन चित्रों को अस्पष्ट बना दिया। जब केबल टेलीविजन का विकास हो रहा था तो 90 के बाद जो है इसमें जो है ब्रॉडबैंड की भी शुरुआत हुई और इससे जो है जो पिक्चर और वॉयस थे वो बिल्कुल क्लियर थे और साथ ही त्वरित इंटरनेट एक्सेस और वॉयस सेवाओं जैसी चीजें भी प्रदान की। आज के टेलीविजन टेलीफोन और इंटरनेट के केबल टेलीविजन बंडल 1990 के दशक में अनुभव की गई वृद्धि का प्रमाण है। टेलीविजन चैनलों की निरंतर बढ़ रही संख्या तथा मनोरंजन के महासमर में उतरने वाली नई नई कंपनियों ने भारतीय दर्शकों को सपनों की दुनिया में सैर करने को मजबूर कर दिया। भारत में केबल टीवी ने कल्पनाओं का एक संसार बना दिया है। बटन दबाते ही आप टेलीविजन के माध्यम से बॉलीवुड से हॉलीवुड पहुंच सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप एक रिमोट का बटन दबाते ही आप विभिन्न प्रकार के चैनलों को देख सकते हैं। विभिन्न चैनलों द्वारा सोप ओपेरा, समाचार विश्लेषण, टॉक शो, चैट शो, फैशन शो, खेलों का सीधा प्रसारण, कॉमेडी, जासूसी, भूत प्रेत, विज्ञान कथाओं पर आधारित सीरियल, टेलीफिल्म, नाटक, नृत्य, देसी विदेशी संगीत व फिल्में तथा कार्टून फिल्मों को परोसने के अलावा पहेलियां बूझने तथा सवालों का जवाब देने पर इनामों की बरसात की जा रही। मतलब इस तरह के जो कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे थे उस पे दर्शकों का फीडबैक लेने के लिए उस प्रोग्राम को प्रसारित करने के बाद जो है उसमें क्विज पूछे जाते थे, उससे पहेली पूछी जाती थी और उसका जवाब दर्शकों से लिया जाता था, फिर उसे ड्रॉ किया जाता था, फिर उसके लिए जो है पुरस्कार दिया जाता था। केबल टेलीविजन का जादू आज चरमोत्कर्ष पर है। छोटा पर्दा जीवंत होते ही दर्शकों पर एक जादू डाल देता है और दर्शक इसके सम्मोहन जाल में पूरी तरह से जकड़ जाता है। केबल टेलीविजन ने जो है बहुत जल्दी ही मार्केट पे कब्जा किया और लाखों दर्शक जो है इसे जुड़े और इसको इस तरह से जो है दर्शकों को जोड़ लिया कि वो इससे दूर नहीं रह सकते थे। प्रथम भारतीय केबल टीवी प्रसारण का आरंभ 1992 में जी टीवी के प्रसारण के साथ हुआ। भारत में जो पहला भारतीय केबल टेलीविजन की शुरुआत हुई थी वो जी टीवी ने शुरू किया था 1992 ईस्वी में। आज यह निरंतर विकास करते हुए ये उद्योग एक विशाल संगठित उद्योग के रूप में स्थापित हो चुका है। अगर आज आप चैनल देखते होंगे तो जी टीवी के जो है बहुत सारे समूह हैं और अब तो रीजनल चैनल भी शुरू हो गया है, उसके न्यूज़ चैनल्स भी हैं, मनोरंजन है, सारी चीज़ें। चैनलों की बढ़ती संख्या से रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हुई। जब चैनलों की संख्या बढ़ती चली गई तो जाहिर सी बात है कि उन चैनलों को संचालित करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस तरह से जो है उसमें रोजगार की भी वृद्धि हुई। आर्थिक उदारीकरण और मुक्त बाजार व्यवस्था ने जिस उपभोक्ता संस्कृति को प्रोत्साहित किया उसमें अपने उत्पाद को जनता के अधिकांश भाग तक पहुंचाने और उसे लोकप्रिय बनाने के लिए उत्पादकों को टीवी विज्ञापन सहज और सुलभ साधन के रूप में उपलब्ध है।
कहने का तात्पर्य ये है कि जब उदारीकरण का दौर चल रहा था और एक ओर जो है उद्योग धंधे जो है भारत में पुनः से फल फूल रहे थे, तो उस समय उन उद्योग धंधों में उनके प्रोडक्टों को बढ़ावा देने के लिए टेलीविज़न चैनल्स जो है एक प्रमुख माध्यम बन गया था, और उसमें उनके प्रचार प्रसार के लिए जो है वो क्या करते थे, इन चैनलों को जो है विज्ञापन देते थे। विज्ञापन से कंपनियों का फ़ायदा ये था कि उनके प्रोडक्ट के बारे में जो है लोग जानते थे, और चैनल्स का फ़ायदा ये था कि वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ होते थे। अब बात करते हैं डीटीएच सेवा की। केबल टेलीविज़न के बाद जो है डीटीएच सेवा की शुरुआत हुई। डीटीएच का मतलब है डायरेक्ट टू होम। दूरदर्शन ने दिसंबर 2004 में डीटीएच सेवा आरंभ किया। इसमें एक डिश एंटीना और सेट टॉप बॉक्स के द्वारा 33 टेलीविज़न चैनलों की दिखाए जाने की व्यवस्था की गई थी। आरंभिक दौर में जब डीटीएच शुरू हुआ था, डीटीएच मतलब डायरेक्ट टू होम, तो इसमें जो है ये व्यवस्था की गई थी कि एक जो है आपको घर के ऊपर जो है एक छतरी लगानी होगी, और उसको जो है उसमें से केबल जो है सेट टॉप बॉक्स से जो है कनेक्ट किया जाएगा, और फिर जो है उससे आप जो है चैनल देख सकते हैं। दूरदराज के क्षेत्रों में जहाँ प्रसारण संबंधी तकनीकी समस्याएं थी, जो दूरदराज का क्षेत्र था जहाँ जो है प्रसारण सही रूप से समुचित रूप से नहीं हो पाता था, वहाँ भी उनके समस्याओं को समाधान करने की दिशा में दूरदर्शन की डीडी डायरेक्ट प्लस सेवा एक सफल एवं सराहनीय प्रयास रहा। दूरदर्शन ने क्या किया कि उसने जो है डीडी डायरेक्ट प्लस जो है सेवा शुरू किया, और यह एक सफल प्रयास था वहाँ तक जो है कार्यक्रमों के प्रसारण में जहाँ सिग्नल संबंधी दिक्कत होती थी। भारत की प्रथम और एकमात्र फ्री टू एयर डीटीएच सेवा प्रदाता अभिकरण के रूप में दूरदर्शन ने काफ़ी ख्याति अर्जित की, और इस प्रकार इसका इस क्षेत्र विस्तार भी हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत की जो प्रथम और एकमात्र फ्री टू एयर डीटीएच सेवा, मतलब इसके लिए जो है आप भुगतान नहीं देना पड़ता था, और ये जो है दर्शकों को जो है आसानी से जो है सुलभ हो सका, इसमें जो है दूरदर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। दूरदर्शन का जो है एक प्रदाता अधिकरण के रूप में इसका विकास हुआ। इस सेवा में भी जो है तकनीकी विकास का कार्य निरंतर चलता रहा। इसमें भी जो है टेक्नोलॉजी जो है बराबर चेंज होती रही। डायरेक्ट टू होम डीटीएच सेवा का अर्थ कई चैनलों वाले टेलीविजन कार्यक्रमों को उपग्रह प्रणाली के जरिए KU बैंड पर वितरित करना है, ताकि ग्राहकों के घर तक सीधे टेलीविजन सिग्नल उपलब्ध कराए जा सकें। सरकार ने 15 मार्च 2001 को भारत में डीटीएच सेवा करने के लिए आवेदन पत्र तथा लाइसेंसिंग एग्रीमेंट प्रपत्र सहित विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। डीटीएच संबंधी दिशा निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। डीटीएच से संबंधित जानकारी जो है ये जो वेबसाइट है वो जो है मंत्रालय पे उपलब्ध है, और यहाँ से जो है लाइसेंसिंग प्रणाली और आवेदन पत्र के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। इसमें जो है इसके साथ साथ जो है उसमें जो है गाइडलाइंस भी दी गई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI प्रवासी भारतीय OCB विदेशी वित्तीय संस्था सहित कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अधिकतम सीमा 20% तय कर दी गई थी। ये कहा गया कि इसमें जो है जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होगा, वो 20% जो है इसकी सीमा जो है निर्धारित की गई है। इससे ज्यादा जो है FDI नहीं रहेगी। डीटीएच सेवाएं संचालित करने के लिए लाइसेंस जारी करने के सभी आवेदनों की पात्रता
मानदंडों के आधार पर जांच आवश्यक होती है। डीटीएस सेवाएं संचालित करने के लिए जो लाइसेंस प्रणाली थी उसके लिए आवेदन करना पड़ता है और उस आवेदन के लिए जो है आवेदन की पात्रता के लिए जो है कुछ नियम बने हुए हैं, कुछ मानदंड जो है निर्धारित किए गए हैं और उन मानदंडों को जो है परखा जाता है कि उन मानदंडों पे जो है सही है या नहीं है। प्रसार भारती के अलावा जो कि एक लोक सेवा प्रसारण करता है, डीटीएच सेवा में डिश टीवी इंडिया लिमिटेड, मैसर्स टाटा स्काई लिमिटेड और मैसर्स सन डायरेक्ट टेलीविज़न प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भी संचालित की जा रही है। कहने का मतलब ये है कि जो टाटा स्काई है, जो डिश टीवी है, सन डायरेक्ट टेलीविज़न है, इस तरह की जो कंपनियां हैं वो भी जो है इसका प्रसारण जो है कर रही हैं। इसके अलावा रिलायंस, बिग टीवी, भारती टेलीमीडिया, भारत बिजनेस चैनल लिमिटेड को भी इसके संचालन के लिए लाइसेंस जारी किया गया। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि आज हमारे देश में अनेकों देशी विदेशी चैनलों के कार्यक्रम केबल टेलीविजन के माध्यम से प्रसारित हो रहे हैं। देश में लगभग 60% से ज्यादा टेलीविजन उपभोक्ता केबल टेलीविजन के प्रसारण का उपयोग करते हैं। शहरों में जिनके घरों में टेलीविजन है प्रायः वे सभी केबल टेलीविजन के भी उपभोक्ता हैं। संचार क्रांति के वर्तमान युग में पूरा विश्व एक गांव में तब्दील हो गया है तथा सूचना अबाध प्रवाह के लिए दूरी अब कोई समस्या नहीं रह गई है और सूचना प्रवाह का एक प्रमुख माध्यम आज केबल टेलीविज़न बन चुका है। केबल टेलीविज़न के माध्यम से लोगों के पास जो है जो भी सूचनाएं होती हैं देश विदेश की, वो सारी सूचनाएं जो है प्रसारित हो रही हैं, लोगों तक पहुँच रही हैं, हमारा दर्शक चाहे जहाँ उपस्थित हो। भारतीय दर्शकों को केबल टेलीविज़न के रूप में एक ऐसा माध्यम प्राप्त हो गया है जिसके जरिए पूरी दुनिया में क्षण प्रतिक्षण घट रही घटनाओं एवं भिन्न भिन्न संस्कृतियों तक उनकी पहुंच हो गई है। जो भारत के दर्शक हैं वो टेलीविज़न के माध्यम से ऑल ओवर वर्ल्ड दुनिया के कोने की खबर जान सकते हैं, किस देश की क्या कल्चर है, क्या संस्कृति है, किस तरह के कार्यक्रम होते हैं, क्या राजनीतिक उथल पुथल है, उन सभी चीज़ों के बारे में जो है घर बैठे टेलीविज़न के माध्यम से वो देख सकते हैं। केबल टेलीविज़न के जरिए खाड़ी युद्ध का जीवंत प्रसारण, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आत्मघाती हमला, अफगानिस्तान युद्ध, भारतीय संसद पर आतंकी हमला आदि का प्रसारण देखने के बाद केबल टेलीविज़न की सार्थकता स्वयं सिद्ध है। केबल टेलीविज़न ने भारतीय दर्शकों की सोच मानसिकता पर गहरा प्रभाव डाला है। इसके साथ ही हमारा आज का ये टॉपिक केबल टेलीविज़न समाप्त होता है। हम फिर इसके अगली कड़ी में सैटेलाइट टेलीविज़न को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे और आशा है कि आप हमारे UPRTU के इस यूट्यूब चैनल्स को आप पसंद करेंगे और आप इससे जो है जानकारी ग्रहण करेंगे। धन्यवाद।